हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आलू वाले पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं। यूँ तो ये हर घर में बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार आलू का पराठा फटता है और कई बार लोग दो चपातियों को बेल कर और उसके बीच में आलू भरते हैं जो कि किनारियों तक नहीं पहुँच पाता, और इस तरीके से बनाया हुआ आलू का पराठा बिल्कुल बकवास और वाहियात होता है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें और आप देखेंगे कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूं, तो ना तो ये फटेगा और अगर फट भी गया तो भी ये फूलेगा और पराठे के अंत तक किनारियों तक आलू पहुँचेगा, किनारियाँ निकाल कर फेंकनी नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने पीली स्किन वाला ओवल शेप का आलू इस्तेमाल किया है, जिसे ज्योति आलू के नाम से जाना जाता है और इसे मेरे बिग बास्केट ने सप्लाई किया है। तो इस तरह का आलू आप बॉयल कर लें, बहुत ज़्यादा बॉयल ना करें वरना आलू पिलपिला हो जाएगा और इसका टेस्ट जाता रहेगा। तो आप इसे घिस लें, घिसने से आलू स्मूथ हो जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहती, इस वजह से बेलने पर पराठा फटता नहीं है। अब कैरामलाइज्ड अनियन में थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह से कुचल लें और इसे मैश किए हुए आलू पर डाल दें। आप इसमें अपने पसंद का मसाला इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर कुछ मसाले इस्तेमाल किए हैं, तो 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर डाला है। आप अपनी पसंद और टेस्ट के हिसाब से इन मसालों को बढ़ा या घटा सकते हैं। 1/4 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह चिल्ली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर मिंट पाउडर इस्तेमाल किया है, ड्राई मिंट पाउडर। आप यहाँ पर कसूरी मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश धनिया की पत्ती को चॉप करके मिला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट कितना ज़्यादा स्मूथ और कितना ज़्यादा वेलवेटी हो रहा है। अब इससे बनाया हुआ पराठा कभी भी फटेगा नहीं। इस आलू के भरते को एक तरफ रख दें और आटा गूंदने की तैयारी करें। यहाँ पर भी एक ख्याल रखना है कि आटे का टेक्सचर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि भरते का है। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी स्टिकी और सॉफ्ट आटा गूंथा है। इस तरह के आटे की लोई लेकर हम इसे अच्छी तरह से सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। ये स्मूथ आटा ही पराठे को फटने से बचाता है। कभी भी टाइट आटा या हार्ड आटे का पराठा अच्छा नहीं बनता, ना तो वो सॉफ्ट होता है और बनने में बहुत ज़्यादा फटता है। अब आलू के भरते का एक लेमन साइज़ का पेड़ा तोड़ लें और उसे आटे की कटोरी में भर दें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ और लचीला आटा सना होने की वजह से ये बहुत अच्छे से स्टिकी हो जाता है और मुंह आपस में जुड़ जाता है। जहां भी ये हाथों पर चिपके, सूखा आटा हाथ में ले लें। अब सारे मुँह को एक साथ जोड़कर बंद कर दें और बढ़े हुए आटे को चिपका दें ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये किसी तरह से भी बेलने पर फटेगा नहीं और इसका पराठा बहुत आसानी से तैयार किया जा सकेगा। बेलने से पहले चौके पर आप अच्छी तरह से आटा चुपड़ लें और कोशिश करें कि पराठे की 2/3 गोलाई को आप हाथों से दबा दबा कर बनाएं। इस तरह से हाथों से दबा कर बनाने से ही आलू का भरता पराठे के किनारियों तक पहुँच पाता है और थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं बचती। बहुत से लोग आटे की 2 चपाती बेलकर उसके अंदर आलू का भरता फैला देते हैं और फिर रोटियों को जोड़कर उसे बेलते हैं। ये बहुत ही बकवास तरीका है और इस तरह से स्टफिंग तो बहुत सारी डाल दी जाती है, लेकिन पराठे की लगभग 1 सेंटीमीटर किनारी जो है वो कच्ची रह जाती है और उसके अंदर आलू का भरता नहीं पहुंच पाता, जिससे आखिर में हमें उसे कतर कर फेंकना पड़ता है। तो पराठा बनाने का सही तरीका यही है। आप देख सकते हैं आलू का भरता बिल्कुल अंदर से दिख रहा है। तो इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर रखा है, उसमें पराठा डाल दें। तेल को ज़्यादा गर्म ना करें वरना हाथों के जलने का डर होता है। इसे पलट लें
और अब इसे तेज़ आंच पर करारा सेक लें। देखिए ये फट चुका है, लेकिन इसे पलट कर आप इसे तेज़ आंच पर सेकें, ये फिर भी फूल कर ही रहेगा। और एक टिप और, हमेशा याद रखें कि जब भी आप पराठा बनाएं, आटा भी फ्रेश होना चाहिए और भरता भी फ्रेश होना चाहिए। बचे हुए भरते से या फ्रिज में रखे हुए आटे से कभी भी बढ़िया पराठा नहीं तैयार हो सकता। और अगर जाड़े का दिन है तो आटा गूंदने के लिए हल्का गुनगुना गर्म पानी इस्तेमाल करें। तो ये सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल ही फूला फूला और मज़ेदार बनेगा। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो कारामद लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।